हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका BA का एग्जामिनेशन, BA का एग्जाम पेपर जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, जो कि अभी हालिया 2020 में इस एग्जाम को कराया गया है। 2020 में इसको कंडक्ट किया था अभी यूनिवर्सिटी ने, आगरा यूनिवर्सिटी ने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, DBARU यूनिवर्सिटी है ये, DBARU, और ये जो यूनिवर्सिटी है वो आगरा में है, ठीक है, DBARU है ये, ए होगा, ठीक है जी, DBARU। तो इस यूनिवर्सिटी ने इसे जो है कराया था, और देख लेते हैं किस तरीके से इसे क्या है इस क्वेश्चन की आंसर की उस पर बात कर लेते हैं। देख लेते हैं 50 क्वेश्चन इसमें से करने थे, 50 क्वेश्चन स्टूडेंट ने किए भी हैं, देख लेते हैं क्या है और हम किस तरीके से आपको स्कोर इंक्रीज करवाते हैं और आपकी किस तरीके से हेल्प करते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में। ओके, देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये है 1920। ओके, किस अनुच्छेद द्वारा नए राज्य का गठन हो सकता है, वो है आर्टिकल 3। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, वो थे PN भगवती। ओके, बिल्कुल चलते हैं आगे। नेक्स्ट था निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये था 1950। ओके, भारत में मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है, ये है पार्लियामेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला लोकपाल कौन था, जस्टिस पिनाकी थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा रखी गई थी, पंडित नेहरू, इसका आंसर था पंडित नेहरू जी। न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द के किस देश के किस संविधान से लिया गया है, ये था आपका USA यानी कि अमेरिका से। ओके, चलिए भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन जो है स्पीकर बुलाता है। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, ये था 42 अमेंडमेंट था। ओके, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, ये किसने कहा था, गार्नर ने कहा था कि। ओके, चलिए राज्य के आवश्यक तत्व हैं, 4 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। ओके, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, किसने कहा था, ये था विलोबी। ओके, चलिए 19 क्वेश्चन देखें। किसने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये ऑस्टिन थे जिन्होंने कहा था कि कानून संप्रभु की है। किसने कहा जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, किसने कहा था, लॉक ने कहा था जहां कानून नहीं होता वहां पर आजादी नहीं होती। समाजवाद का अधिक महत्व होता है वो देखिए, समाजवाद का जो अधिक महत्व होता है वो आप जो देखेंगे वो सोसाइटी के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, सोसाइटी के लिए। चलिए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे, प्लूटो ने जो है रिपब्लिक पुस्तक को लिखा था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये थे मार्क्स, कार्ल मार्क्स। मार्क्स एक विचारक था, किसका, ये जर्मनी के विचारक थे यानी फिलोसोफर थे जर्मन। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा था, कार्ल मार्क्स के द्वारा आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। मैं ही राजी हूं किसका कथन है, ये लुईस का था, 14 लुईस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, भारत का जो राष्ट्रगान है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृसत्ता राज्य के समर्थक थे, मातृसत्तात्मक राज्य के समर्थक थे वो थे मोंटेस्क्यू। ओके, नगर राज्य शब्द जुड़ा हुआ है, नगर राज्य शब्द है प्राचीन ग्रीक से जुड़ा हुआ है, ग्रीस से। ओके, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है, इसका आंसर होगा बहुदलीय। ओके, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, ये किसने कहा था, गार्नर ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा होती है, ये सेक्शन 75। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, वो है द्रौपदी मुर्मू। ओके,
भारत राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 ईयर, ये तो हर किसी को पता है। संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है, ये किसने कहा था? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने संसद का सामना ही नहीं किया था, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, यानी कि संसद पहुंचने से पहले ही इनका जो है सरकार गिर गई थी और इन्हें जो है प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, राज्यसभा का संचालन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा का संचालन, या वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा का संचालन। संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन लागू किया था किसने? किया था होब्स ने। ओके, होब्स ने जो है इसे किया था। उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद चाहता है सभी पीपल्स का, जो के चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ, ये था 19 सेंचुरी में। 19 सेंचुरी में जो है व्यक्तिवादक विचारधारा का जो है उदय हुआ। यह किसका मत था कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विपरीत है? ये थे एक्शन। क्या थे? एक्शन। दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो थी प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी चाहती थी। चलिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? ये देखिए, ये स्विट्जरलैंड था, यहाँ स्वीडन दे रखा है। स्वीडन अगर स्विट्जरलैंड नहीं है तो मैं स्वीडन के साथ जाना चाहूँ, बड़ी स्वीडन अलग है, तो ये स्वीडन स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ स्विट्जरलैंड ऑप्शन भी नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। लोकतंत्र शासन का वह प्रारूप है जिसके जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के शासन के लिए हो। ठीक है, इसका मतलब है लिंकन, लिंकन ने बोला था ये चीजें। लोकमत की आत्मा, लोकमत की आत्मा होती है सर्वसम्मति से। ओके, निम्न में से कौन सा जनाधिकार है? राइट टू वे वी मताधिकार। ठीक है, कौन से अधिकार युद्ध के समय राज्य द्वारा प्रतिबंध किए जा सकते हैं? ये सभी के सभी प्रतिबंध किए जा सकते हैं, यानी कि इन्हें रोक लगाई जा सकती है। लिबर्टी शब्द लैटिन के किस शब्द से लिया गया है? लिबर्टी की अगर बात करें तो लाइवर से लिया गया है। ओके, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीर से बंधा है, यह कथन किसका है? ये था रूसो का। ओके, रूसो का था। नेक्स्ट देख लेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कल्पना मात्र है, ये किसने कहा था? GDH कोल ने। चलिए, संगठन बनाने का अधिकार कानूनी अधिकार है, सिविल राइट्स है, किस तरीके का है? नेचुरल राइट्स है। तो इसे कानून बनाने का अधिकार है, ये देखिए आपका जो आंसर है वो डी है, लीगल राइट्स है। न्याय की जरूरत है, न्याय की जरूरत होती है स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए। जी, गांधी जी स्थापित करना चाहते थे क्या? सॉवरेन स्टेट। ओके, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा का नेतृत्व करता है प्राइम मिनिस्टर। वह कोई विधेयक, वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है स्पीकर। चलिए, संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है? वयस्क मताधिकार के लिए आप जो देखेंगे वो था 326। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? ये किस अपॉइंटमेंट में था? ये 44 में था। बहुलवादी लोकतंत्र संबंधित है, वो है उपयुक्त सभी। मताधिकार का अर्थ होता है राइट टू वोट, बिल्कुल। भारत में न्यूनतम मताधिकार करने की आयु 18 वर्ष, एग्जैक्टली। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये है अस्प्रशस्त, यानी कि आप देखेंगे यहां पर लिखा है प्रोहिबिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? ये है 368। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? ये है 3rd पार्ट।
संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ये है 48। धन विधेयक पहले कहां पेश किया गया था? धन विधेयक जो पेश किया गया था इन लोकसभा, ओके। राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि 6 इयर्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो उनमें होगा प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होता है? वो होती है मीडिया, बिल्कुल। पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान होता है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये जो है गिलक्रिस्ट कहेंगे, गिलक्रिस्ट। भारत में 12वां प्रधानमंत्री कौन था? भारत में 12वां प्रधानमंत्री था इंद्र कुमार गुजराल। चलिए, संसदीय राज्य शासन में क्या क्या पाया जाता है? राजा का शासन, राष्ट्रपति का शासन, नवमात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो था राजा का शासन। संसदीय शासन व्यवस्था को पुकारा जाता है मंत्रिमंडलीय शासन कमेटी या कैबिनेट। उदारवाद संबंधित है, उदारवाद जो संबंधित है वो होगा ऑल ऑफ दीस से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स एंड एंगेल्स। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अगर हम बात करेंगे तो प्रधान संसद और राज्य विधानमंडल। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आयोग किसको होगा? देखिए यहां पर देखिए बी इज द राइट आंसर। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। संसद का कौन सा सदन वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है? वो है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि का लोकसभा में भेजता है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश। सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वो है आर्टिकल 3(2). सूचना अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? सूचना अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? 2015 से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? 356। दल बदल विधेयक किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? ये था आपका 52 अपेंडमेंट। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। केशवानंद भारती किस वर्ष आया गया था? किस वर्ष था? 1973 में। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की सुरक्षा नेताओं का मुख्य सेनापति कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रपति। बहुकार्यपालिका कहां पाई जाती है? स्विट्जरलैंड। कहां पर? स्विट्जरलैंड। राजनीतिक दल जनतंत्र से ही अधिक प्राचीन है, ये किसने कहा था? ब्राइस ने। किसने कहा था? ब्राइस ने। चलिए नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
वो जो स्थापना हुई थी वो थी आपकी 1984। शक्ति पृथक्करण का शब्द या सॉरी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस वर्ष में पाया जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर जो है वो मिला नहीं है, ये डाउटेबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च संविधान सॉरी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 26 जनवरी 1950 बोला गया है, बट यहाँ तीन साल पहले बता रहे थे, तो वो यहाँ पर जो है 1950 ही आएगा, यानी कि ये ठीक है। भारत लोकसभा को भंग करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है वो होता है राष्ट्रपति। एक फादर ऑफ लॉ, फादर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि प्रेसिडेंट से फादर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, ये थे आपके 100 क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको हमारे क्वेश्चंस को मिलते रहेंगे, और आप किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन में अगर कोई डाउट होता है तो उसका कमेंट करिए, देन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, तो यू कैन लाइक एंड शेयर ऑन योर चैनल। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।